नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि आपको पता है, आज है भैया दूज, तो आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज भैया दूज का त्यौहार मनाएंगे हम भी। तो अभी थोड़ा सा काम है ऊपर का, छत की साफ सफाई का, तो सबसे पहले तो वो करेंगे। और ऊपर हमें गेहूँ भी धोने हैं, क्योंकि गेहूँ धोने भी कई दिन से पेंडिंग में ही है। धोने पे हुए तो ऊपर छत पे काम लग रहा था, इस वजह से कुछ दिवाली वगैरह थी तो टाइम नहीं मिल पाया। तो आज हम सोच रहे हैं कि पहले छत साफ कर दें। कल थोड़ा सा करा तो था, लेकिन फिर कल पेंटर आ गए थे तो हो नहीं पाया। कुछ गिल्ली थी या रिलिंग वगैरह, वो धूलिंग से जम जाएगी। तो छत की हालत है देखिए ऐसी, चारों साइड पुट्टी अखबार वगैरह सब कुछ पड़ा। लेकिन मैंने सोचा चलो अब सुबह ही सुबह कर देते हैं, फिर भी आ जाएंगे पेंट करने के लिए, तो जब तक अपना हो जाएगा। तो यहाँ तीनों लग गए, देखिए जी सब अपने अपने काम पे लग गए हैं। और मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और इसके पापा और कन्हैया धोएंगे गेहूँ। पहले कन्हैया ने ये थोड़े से बाल्टी वगैरह एक साइड रख दी है कलर की, जो कलर पेंट वाली है तुम कहने रख दो, और झाड़ू तो मैं लगा दूंगी। और इधर इसके पापा ने निकाल लिया है भिगोना, जिसमें धोएंगे गेहूँ, और अपना अपना काम सब कर लेंगे। तो जब तक ये गेहूँ धोएंगे मैं अपना झाड़ू लगा दूंगी। और देखिए कितना गंदा हो रहा, परसों भी लगाई थी झाड़ू, लेकिन जैसा एक तो पेंट हो रहा है उसकी वजह से, जैसा दीवारों पर से उतारा ना उन्होंने, उस वजह से भी। अब दूसरे पटाखे वगैरह भी, बाकी छोटी दीपावली से, हाँ बड़ी दीपावली वाले दिन भी मैंने सुबह ही झाड़ू लगाई थी यहाँ पे। तो बस वहाँ पे उधर थोड़ा सा कन्हैया कर रहा जहाँ कलर वगैरह रखा, बाकी मैं कर दूंगी। और फिर मैं ये सारा कूड़ा भर दूंगी, फिर गाड़ी में डाल दूंगी, कूड़े वाली गाड़ी आएगी जो। और उधर इसके पापा ने गट्टा रख लिया, बस वे भी फटाफट अपने काम पर लग के धो देंगे गेहूँ, क्योंकि गेहूँ धुले हुए नहीं है और कई दिन से धोने थे, बस काम ही इतना ज़्यादा फैल रहा था आपको पता ही है, तो इस वजह से मैं धो नहीं पाई। और इधर देखे लग रहे हैं, और एक बार का ये गट्टा दो बार में पिस जाएगा, मतलब एक गट्टा पूरा ही धो देते हैं, दो बार करके वो पिस जाता है। तो इधर देखे दोनों भाई लगे हुए हैं, और सारे ही कर लेते हैं मिलजुल के, तो अच्छे से जल्दी भी हो जाता है, और फिर ये भी नहीं एक पर ही बर्डन पड़े। और सुबह ही सुबह हम ज़्यादातर काम करते हैं ये वाले सारे, वो इसलिए क्योंकि सुबह ही फिर मतलब 9 बजे से पहले पहले ये सारे काम हमारे हो जाते हैं, वो फिर अपने 9 बजे काम शुरू हो जाते हैं। जैसा कि नैया दुकान पे चला जाता है 9 बजे, इसके पापा अपना ऑफिस का करने लगते हैं, मैं भी अपना नाश्ता वगैरह बना के अपना कर लूँ, तो फिर ये अपना आराम से कर लेते हैं। तो सुबह ये सारे काम निपटा लो तो पूरा दिन फिर फ्री रहते, मतलब अपने काम पर लगे रहो, फिर ये नहीं है। ज़्यादातर शाम को ही हम ये सारी चीज़ें सेट कर लेते हैं कि क्या काम करना हमें सुबह ही, तो वो जल्दी जल्दी अपना कर लेंगे। और बस देखिए गेहूँ धुली गए हैं, 3 बार में करके धो दिया, और ये भिगोना बहुत काम आ रहा हमारे गेहूँ धोने के, इसमें ना ज़्यादा से डाल दो तो फटाफट धुल जाते हैं पाइप चला के। और बस फिर आ गए थे हम नीचे, ऊपर का काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप सब भी बोल रहे थे कि ये फ्रिज किचन में ही रख दो, बाहर नहीं रखते, तो मैंने सोचा चलो ठीक है इसको फ्रिज को रसोई में ही रख देते हैं। थोड़ा सा मैंने इसलिए निकाल दिया था क्योंकि बाहर काफ़ी सारा स्पेस था और किचन में थोड़ा कम है, तो मैंने सोचा चलो इसको बाहर ही रख दूँगी। लेकिन वही मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था, ये ख़राब सा हो रहा ना इस वजह से, इसको चेंज करना पड़ेगा। बाकी ये चल तो ठीक रहा, बस यही इसकी जो बाहर की स्क्रीन सी है वही ख़राब हो रही। तो अब सारा घर की साफ सफाई कोना कोना हमारा हो गया, रह गया था ये फैन, फैन नहीं साफ हुआ। मैं कहने लगी कन्हैया को, मगर भाई बस ये इनकी ये तिपाई सी रखी जो पेंट वालों की, मगर इस पर चढ़ के तू इसे भी कर दे साथ साथ। तो उसने वो पंखा भी, बाहर वाला फैन भी साफ कर लिया, बाकी अंदर वाले तो मैंने खुद कर दिए थे जब धोया था वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद मैं हो गई हूँ तैयार अब नहा धो के, और मैंने आज पहन लिया है अपना नया सूट। और ये वो सूट है जो मेरी सासूमाँ ने मुझे दिया था जब मैं गाँव में गई, सिलवा लिया और बहुत अच्छा लग रहा मेहंदिया कलर का, और फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है। तो यहाँ पे मैं अब करूँगी भाई दूज की तैयारी, अपने भाई को करूँगी टिक्का, जैसा आपको पता मेरा भाई आया हुआ कल आया था, और अभी बस मैं तैयार हो रही, तो वो भी अपना तैयार होने लग रहा, उसको मैंने बोल दिया मैं कहा भाई तैयार हो जा, बल्कि वो मेरे से पहले ही हो गया था, कह रहा था कि कब करेगी टिक्का, और मैं काम से मैं लग रही थी तो इस वजह से। बल्कि मैंने नाश्ता वगैरह सारा बना दिया नहाने के बाद, मैंने पहले नाश्ता पूजा करी, कान्हा जी को नहलाए और फिर नाश्ता बनाया, अब उसके बाद फिर मैं तैयार होने लगी हूँ। मैं कहा फिर आराम से पूजा मतलब वो
टिक्का करके फिर नाश्ता कर लेंगे सब। और अभी तक तो जब तक टिक्का नहीं करते तो जब तक खाते नहीं कुछ, मैंने तो कुछ नहीं खाया बाकी तो, मतलब इतना टाइम भी नहीं हुआ, 10 ही बजे थे तो फिर मैंने बाद में ही खाया है। और अगर चाहे शाम को भी आए, अगर पता है कि टिक्का करना तो हम शाम तक भी व्रत रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं तो तैयार हो गई हूँ, अपना थोड़ा सा मेकअप कर लिया, चूड़ी और इयररिंग भी मैंने पहन लिए, ये गुड्डू के बर्थडे गिफ्ट के हैं और नए हैं, आज मैंने इनका मुहूर्त कर दिया, इयररिंग का लाइट वेट है तो मैंने पहन लिए। और यहाँ बस फिर दोनों बहनों की भी कर दिया कंघी, इन्होंने बाल धोए थे, मैंने इनकी कर दी कंघी। तो देखे जी मैं तैयार हो चुकी हूँ और आज मैंने अपना नए वाला सूट पहन लिया, ये ग्रीन वाला जो मेरी सास ने दिया था। और देखे कैसा लग रहा कमेंट करके जरूर बताना, और बस देखे अच्छा लग रहा करना तो। और मैंने इसके साथ के कड़े लेके आई थी, ये पहन लिए। तो अब बस करते हैं टिक्का, भाई भी तैयार है और बच्चे भी तैयार, ईशो खाना भी ले ला, तो वही बैठ के करेंगे ऑफिस में। और ये देखिए टिक्के की थाली गुड्डू ने तैयार कर दी है पूरी, दिया भी लगा लिया, गोले मंगा लिए थे मैंने, और मिठाई भी है और तिलक के लिए ये वो भी है सिंदूर और चावल। तो चलो अभी निकाल लेता हूँ। क्यों तो देखिए जी मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं, और ब्लू वाली ड्रेस तो इनके इतनी खिल के आई, ये मैं दो ड्रेस लाई थी सेम ही, एक ऑरेंज दीपावली वाले दिन पहनाई थी और एक ये, तो ब्लू ड्रेस मैंने पहली बार पहनाई है कान्हा को और बहुत ही सुंदर लग रही। तो सबसे पहले देखिए दोनों बहनें करेंगी कान्हा जी को टिक्का, और ईशु देखिए कितनी वो हो रही, ईशु का कह रही मैं करूँगी पहले, कभी दीदी करेगी। तो यहाँ पे गुड्डू ने सेम तिलक करके कान्हा जी को फिर कर लिया है आरती, और फिर खिला दिया मिठाई, और ये जो तिल ये क्या होती है, ये होती है ना खील, हाँ खील, तो खील भी खिलाते हैं आज तो इस वाले दिन, भाई दूज वाले दिन खील पतासे भी जरूर खिलाए जाते हैं, मतलब ये टिक्के पर दिए जाते हैं। तो जैसे जैसे यीशु गुड्डू ने करा सेम ऐसे ही यीशु भी कर रही है। तो यहाँ कृष्णा तो है नहीं, कृष्णा को तो बहुत मिस कर रही है गुड्डू, ज़्यादा करती है कृष्णा का करती है गुड्डू बहुत ज़्यादा, तो वो कह रही कि मम्मी उसमें भी नहीं था, नोरते रखे थे और आज भी नहीं भाई है यहाँ। और अब बस मैं करूँगी अपने भाई को टिक्का, इन दोनों बहनों ने तो कर दिया है कान्हा जी को, और यहाँ पे बस देखे बातचीत चल रही है, हंसी मजाक चल रही है, और बस अब देखे मैंने अपनी थाली तैयार तो कर ही रखी है, तो अब मैं करूँगी अपने भाई को टिक्का। तो सबसे पहले करते हैं तिलक, और उसके बाद चावल भी लिए हुए चावल लगा दूंगी, और फिर मिठाई खिलाऊंगी, और फिर उसके बाद आरती करूंगी। तो इसी तरीके से देखे कर रही है, और वो भी ले रही है फोटो गुड्डू भी अपने मामा के मोबाइल से, उसने बोल दिया कि मेरे फोन से फोटो ले ले, तो वो उसके ले रही है। तो यहाँ पे देखिए जी हमारा बस ये है कि ये त्योहार भाई बहन का हमेशा बना रहे, इस दिन का सब बहनों को इंतजार रहता है। और आपको बताऊं हमारे इधर ये वाला त्यौहार बहुत ज़्यादा चलता है, बल्कि राखी का तो चलो ठीक है चलता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, भाई दूज की ज़्यादा होती है। और हमारे यहाँ पे बहन नहीं जाती अपने भाई के घर, भाई आता है बहन के घर इस दिन। राखी पे तो बहन भी चली जाती है भाई भी आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भाई दूज वाले दिन हर भाई अपनी बहन के घर जाता है। यहाँ पे जैसा भाई भतीजे कोई भी चला जाओ तो आते हैं भाई दोज लेके। तो भाई मेरे लिए गिफ्ट भी लाया, कपड़े वगैरह मम्मी ने दिए, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी आगे, और अभी बाद में दिखाऊंगी जब टाइम लगेगा, तो मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगी क्या क्या लेके आया मेरा भाई। तो यहाँ पे उसने शगुन भी दे दिया है देखिए, और उसके बाद बस फिर मैंने उसको मिठाई खिला दी, उसने भी मुझे खिला दी, और हमारा भाई दूज का त्यौहार बन गया। बस भगवान से यही प्रे है कि ये हमेशा हमारा प्यार ऐसा ही बना रहे। तो जी तिलक मैंने कर लिया है, और जो भाई दूज का त्यौहार है वो हमारा बन गया, अब हम करेंगे नाश्ता। और ये देखे मुझे दक्षिणा भी मिल गई, और कपड़े भी हैं, मैं भी दिखाऊंगी मैं आपको जो गिफ्ट आए मेरे लिए। और यहाँ पे बस अब चलती हूँ नाश्ता लाने के लिए, बना के मैंने तैयार कर रखा है। यूँ बताओ चाय लाऊं और दही लोगे? क्या नमक के जमे चाय ले आऊं, है चाय अच्छी लगे, कंफ्यूज हो गए।
मैं लगती हूँ क्योंकि टाइम हो गया 9:30 बज गए और लेट ही हो जाएंगे। तो मैंने देखे नाश्ता बना के तैयार कर रखा, तो बस देखिए जी आपने भी मेरे हिसाब से ऐसे ही बनाया होगा। वो देखो सब जगह ऐसे ही अपने अपने तरीके हैं कौन कैसे बनाता है। जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे पिंजौर में, यहाँ पे तो बहन जाती है भाई के घर। यहाँ पे मैं मुझे आज ही पता चला कि बहन जाती है अपने भाई के घर। तो यहाँ देखिए जी मैं बना रही हूँ नाश्ता सबके लिए, ना लगा रही हूँ नाश्ता बना तो दिया, नमक के जमे बनाए नमकीन वाले, और बस मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए। किसी ने चाय के साथ खाए, किसी ने दही के साथ खाए, तो दोनों चीज़ें ही थी। कन्हैया ने भी कर लिया, कन्हैया करके चला गया है दुकान पे। और बस उसके बाद में भैया जो पेंट वाले हैं उनको भी मैंने चाय दे दी थी बना के, क्योंकि थोड़ा लेट ही हो गई थी आज मैं नाश्ते में। और बस सबको लगा के दे दूँगी, फिर मैं भी कर लूँगी। तो मैं भी अपना लेके वहीं जाऊँगी ऑफिस में, क्योंकि उन दोनों का चल रहा है वहाँ पे काम, भाई का भी और इसके पापा का भी गुड्डू के, तो वहीं से वे करेंगे और वहीं से मैं करूँगी नाश्ता। ये तो बहुत देर हो गए, परेशान हो रही थी। लगवा ले मैं चिची खा लो, चिची चिची खा लो, अब कृष्णा भी खोला पिट्टी कर दो इसकी, तो कर दी किसी के भी कर दूंगी, यही खा जाओ। नेक्स्ट अटेंडेंस लग रही ना यहाँ कहीं और भी जाना होगा, टिक्का करना। किसे? कर दिया हमने तो। और बताओ पियूरू ही कहाँ है? पियूरू ही किधर है? पियूरू ही दियो 50-50 रुपए से। पियूरू ही है। गूगल पे कर दो, वो तो गूगल पे कर दो, गूगल पे नुका वो। ये भाई ताली दक्षिणकांड दोनों की। ओह नो मेरे पास तो आ गए। मेरे पास आ गए। हाँ याद है हमने खाए। एक दोनों के सब्सक्राइब दोनों ले लियो, हमने आज तक के सब मिल गए ना। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बहनों ने बस कर दिया है टिक्का, उनको दोनों भाइयों को, शिवांश को भी और उसको कृष्णा को भी। और इस बल्कि गुड्डू पूछ रही है कि मौसी कब आओगे, कृष्णा को लेके आ जाओ, क्योंकि कृष्णा की तो उसकी गुड्डू की तो उसमें बिल्कुल जान बसी रह रहा है। तो कह रही कि मेरा मन नहीं लग रहा, जल्दी आ जाओ। और यहाँ पे देखिए बस नाश्ता वगैरह सबका हो ही गया और मैं करने लगी हूँ क्लीनिंग अपना, किचन करूँगी, बर्तन करूँगी। आंटी गई है छुट्टी पर, आंटी एक दो दिन नहीं आएगी तो मैं छुट्टी पर जा रही हैं, वे जा रही हैं अपने मायके। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे अपने मायके जाती हैं रक्षा इस पर भाई दूज पे भी और रक्षाबंधन पे भी, तो मैं अपने मायके गई है। तो फिर देखो सबके त्यौहार अपने अपने हिसाब से बनते हैं और सभी आते जाते हैं, तो मैंने कहा कह रही थी आंटी की एक दो दिन मैं छुट्टी करूँगी, मैं कहा कोई बात नहीं मैं कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरा लग गया है बर्तनों का ढेर, और अब बस सारा काम तो हो ही गया, लास्ट में रह गया है बर्तन, अब इनको भी कर दूँगी। कपड़े आज धुलेंगे नहीं, क्योंकि कपड़े आज के दिन हम नहीं धोते, भैया दूज वाले दिन धोते नहीं, तो इस वजह से मैंने इकट्ठे करके रख दिए हैं मशीन में और फटाफट से बस सारे धो दिए हैं बर्तन। फ्रेंड्स यहाँ का काम मेरा सारा हो गया है, क्लीनिंग मैंने कंप्लीट कर दी है पूरे घर की अच्छी तरीके से। उधर तो बस बच्चे पढ़ रहे, सुबह बेडशीट तो झाड़ दी थी, इधर भी क्लीन कर दिया रसोई भी। अब उसके बाद मैं चलती हूँ ऊपर छत पे, मुझे फैलानी है गेहूँ जो सुबह धोए थे वो, क्योंकि धूप अच्छी खासी हो रही, उनको फैला के आती हूँ। ईसु आज मेरे साथ ऊपर गेहूँ फैलाता था उनने पहले, वहां तो परांठ लिया और निकाल कर मैं चल रही थी, आज मैं चादर ले लूँ।
तो यहाँ मैं आ गई हूँ ऊपर, और देखिए ईशु भी आई है मेरे साथ। तो हमने बेड शीट बिछा लिया है, उस पर ये गेहूँ इनका पानी तो निचड़ गया है, बस इनको फैला देंगे, ये सूख जाएंगे। तो मैं परात लेके फटाफट उससे डाल दूँगी और इसको फैला दूँगी चारों तरफ से। फिर ये जो बच गया है ना, इस पर फोल्डिंग पे इनको भी डाल दूँगी, और ईशु मेरे साथ रखवाएगी तो इसको भी फैला दूँगी। धूप अच्छी हो रही तेज़, तो सूख जाएंगे शाम तक। अभी मतलब एक दिन में तो सूखेंगे नहीं, दो तीन दिन में सूखेंगे जाके। तो बस जी आज की वीडियो इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।